हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू Q&A वीडियो। और आप लोग को बताओ कि आप लोग को दिवाली वाला ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, बहुत सर दर्द कर रहा था, बहुत कुछ हुआ है। मैं क्यों खुशहाल के साथ वीडियो नहीं बना रही हूँ उसमें पता आपको चल जाएगा। आप लोग आई लव क्रंच सर्च करो, जो फर्स्ट ब्लॉग होगा उसमें सब कुछ पता चलेगा। दिवाली ब्लॉग है, सब कुछ है। तो आज मैं जो क्रंच करने वाली हूँ, सोलो करने वाली हूँ, वो है न्यू ब्रांड का सेट पेन, जो कि मैं ऑफलाइन नहीं हूँ। ठीक है, ये है बालवीर ब्रांड। ठीक है, तो ठीक है बोलो, इग्नोर करना है पड़ाका का साउंड, दिवाली है। और हाँ, और मैं क्या करती बोल, आज मैं ऑर्डर की हूँ पता है, बहुत कुछ रस्सी ऑर्डर की हूँ, क्ले वाला रस्सी, क्ले पॉट, मटका, कोलकाता क्ले पॉट, फिर से क्ले रोल, सब कुछ, रोटी क्ले वाला, सब कुछ ऑर्डर की हूँ, सब कुछ। ठीक है, तो बस आज का वेट है, अभी बस ये सब मैं क्रंच कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A वीडियो। प्लीज़ गाइज, फिर से मैं बोल रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को ही पूछना प्लीज़, क्योंकि जब क्वेश्चन रहता है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ये सब चीज़ मेरे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, तो बस क्वेश्चन ही पूछना आप लोग इसमें। बाकी आप लोग जो गाली देना चाहते हो, मजाक करना चाहते हो, कुछ भी, तो उसके लिए आप लोग को दो चैनल मिलेगा, जो कि है जयाज क्रंच और आई लव क्रंच। इस पर बस क्वेश्चन आप लोग पूछो, ठीक है, कमेंट्स में। गाइस स्टार्ट करते हैं। जयदि, अगर आप फेमस होना चाहती हो तो 24 चैलेंज वीडियो बनाया करो, हॉरर वीडियो बनाया करो, या मिनी व्लॉग डाला करो, देखना आप भी एक दिन बहुत फेमस होगी। आजकल लोग ऐसे वीडियो देखते हैं। एक चैनल क्रंच का रख लो, एक चैनल व्लॉग 24 चैनल चैलेंज रख लो, देखना आप एक दिन बहुत फेमस होगी। जया आई पेपरली, यू आई पेपरली टू, 24, मुझे समझ नहीं आया, 24 चैलेंज वीडियो मतलब, अच्छा 24 आवर चैलेंज वीडियो है ना, 24 घंटा बोल रहे हो शायद आप। तो ज़रूर ट्राई करूँगी, एक बार मेंटल स्टेट और घर का स्थिति सही हो जाए। आप लोग समझ भी नहीं सकते हो कि मैं अभी कितने ज़्यादा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे अभी, क्योंकि मैं बता नहीं सकती यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन है मोहम्मद आयुब का, वुड यू रेदर लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इट कॉन्स्टेंटली स्नो और ऑलवेज रेन्स। नहीं, हमेशा बारिश वाला सीजन पसंद नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली स्नो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ज्योति दरवाजा बंद कर दो पहले, आवाज आ रहा है दोनों तरफ से, प्लीज बंद कर दो। वुड यू रेदर ऑलवेज बी अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट, वुड यू रेदर बी ऑलवेज अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट, थोड़ा सा खराब लगेगा आप लोग को, बट ऑलवेज अट्रैक्टिव। आजकल के जमाने में ना, मैं खुद देखी हूँ, मेरी दोस्त इतनी टैलेंटेड है ना, इतनी इंटेलिजेंट है, बट वो डेली उसका दिन रोते बीत रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वो सुंदर, मतलब सुंदर तो बहुत अच्छा है, बट सोसाइटी के, सुंदर तो बहुत सुंदर है, वो सोसाइटी के हिसाब से वो सुंदर नहीं है। रेसिज्म चल रहा है आप लोगों को पता है ना, तो टैलेंट होने से ना कोई फायदा नहीं। टैलेंट कब तक कमाएगा पता है? आप फेमस हो गए बट स्टिल चार लोगों के सामने ना, सुंदरता बहुत मैटर करता है। सो अट्रैक्टिव, वुड यू रेदर नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर पार्टनर्स माइंड और नथिंग एट ऑल? ओके, आई चूज नथिंग एट ऑल। मुझे नहीं इतना, क्योंकि आज कल जो लॉयल भी है ना, उसके भी माइंड में कभी ना कभी चीट करने का, या फिर देखो वो लड़के लोग क्या सोचते हैं, भाई ये तो परमानेंट है, इससे तो शादी करना ही, अगर लॉयल हो तो शादी करना है, फिर भी दूसरे लड़कियों में लाइन मारने में क्या ही दिक्कत जाता है, और ये लड़कियां नहीं सह पाती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं सामने वाले का सच्चाई जानूं, भले मैं झूठे मेरे अंधेरे में रहूं, बट मैं सामने वाला सच्चाई नहीं जानना चाहती। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए, सो यू कैन टेल मी, आई विल कमेंट, आस्क मोर सच क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल पूछो यार, मुझे आपका क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा लगता है। वॉट डज योर ड्रीम वेडिंग वुड लुक लाइक? बस अब तो वैसे कुछ रहा नहीं, पहले था ना कि मैं जिससे चाहती हूँ उससे शादी हो जाए, भले वो मंदिर में हो, कहीं भी हो, अब कुछ नहीं है। अब है ना कि
शादी हुआ अच्छे से, मम्मा पापा बहुत खुश रहे, बहुत 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 ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैटर मेरी मम्मा करती है, वो खुश रहे। और मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा, नहीं नहीं हाँ एक नॉर्मल वेडिंग जिसमें कुछ चीज़ का कमी ना हो, और बस मम्मा खुश रहे। मम्मा खुश रहे बार बार बोल रही हो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम ऑफलाइन भी क्रेविंग में खाती हो स्वीट आइटम्स? हाँ। हाय जानी, वीडियो क्यों नहीं आया? आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर, मैं आपके वीडियो पहले से ही देखती हूँ और वेट करती हूँ। बिकॉज ऑफ दीपावली मैं नहीं डाल पाई वीडियो, बट व्लॉग आया, आप लोग जाके देख सकते हो। एक देखो, अभी पापा हल्ला करे बाहर, वो इसलिए क्योंकि पटाखा फूट रहा है, और कल दिवाली मना था पापा कुछ नहीं बोले, आज भी फूट रहा है ना, इसलिए ऑब्वियसली फूटेगा ही, बट बहुत जोर जोर से फूट रहा है, पापा को गुस्सा आ रहा है इसलिए। बट यहाँ पे मेरे पापा गलत हैं। अरे जया, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ, और जिसके साथ हूँ वो बहुत अच्छा, वो अच्छा है और लॉयल भी है। जैसे वो पहले मेरी केयर करता था, आज भी वैसे ही करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता उसके साथ बात करने का, रिलेशन आगे बढ़ाने का। मेरा क्यों अब रिश्ता बोझ सा लगने लग गया है, पता नहीं क्यों। और मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे रिलेशन के बारे में उसकी फैमिली और रिलेटिव सबको पता है, उसने भी बोल रखा है, क्योंकि मुझे इसके साथ शादी करनी है, और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई यही तो प्रॉब्लम है, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन। जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हमको लगता है ना हमें तो इनसे ही शादी करना है, हम तो इनसे ही सब कुछ मतलब शेयर कर सकते, ये वो ब्ला ब्ला, और ना जल्दीबाजी में, और वो जल्दीबाजी नहीं रहता है उस वक्त, ऐसा लगता है लड़के को भी लड़कियां को भी, अब जो है यही है। बट और फिर उसी फ्लो में ना वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मे बी या तो लड़के को वो रिलेशनशिप बोझ लगने लगता है क्योंकि लड़के तरफ से वो अट्रैक्शन होता है, या तो लड़कियां को बोझ लगने लगता है क्योंकि जिसको बोझ लगने लगता है ना वो अट्रैक्शन होता है। आपको भी अट्रैक्शन हुआ था, ठीक है, प्यार नहीं हुआ था, प्यार में भी कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है प्यार। एक समय के लिए ना गायब भले हो सकता है, थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए, लेकिन मर कभी नहीं सकता है। वो रिलेशनशिप जिस दिन बोझ लगने लग जाए ना, समझ लेना कि वहाँ से निकलना बेहतर है, क्योंकि अगर आप शादी करोगे ना तो आप दो जिंदगी बर्बाद करोगे, खुद का भी और उनका भी, ठीक है। तो उस लड़के की समझाने की कोशिश करो, या तो फिर टॉक्सिक बन जाओ, जो करना है करो, एटलीस्ट वो अभी रोए, थोड़ा मुझे रो करके ख़त्म करे सब कुछ, बट बाद में रोने का नौबत ना आए ना आपको ना उसको। ऐसे मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, सामने वाले को मे भी बोझ लगने लगी मैं, बट बोझ मुझे रोने से क्या फ़ायदा यार, जब इन सामने वाले को बोझ लगेगा, उसको पहले लगा था, ठीक है, अब जो है जया है, मैं इसी के साथ शादी करूँ जो भी, बट लास्ट में क्या हुआ ना कि बोझ लगने लगी मैं, तो उसमें उसका क्या गलती यार, वो तो ह्यूमन नेचर है ना। वो ये सोच के तो नहीं आया था कि मेरा बाद में बोझ, मतलब जया बाद में बोझ बन जाएगी, वो ह्यूमन नेचर होता है, इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, ठीक है, किसी के भी नहीं। पहले नहीं पता रहता है कि बाद में जाके मन चेंज हो जाएगा मेरा। आप खुशहाल के साथ डांस वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, रीजन बताओ, जाओ और मेरे ब्लॉग में देख लो। क्या तुम अंजलि ढाका का वीडियो देखती हो? देखती हूँ, हाँ देखती हूँ कभी कभी। आपकी मंथली इनकम जो होती है उस पैसों का आप क्या करती हो? अपनी मम्मी को कितना देती हो महीने में? मैं ना खुद के शौक पूरी करती हूँ, और मम्मा को जिस चीज़ में काम होता है उसमें देती हूँ, ठीक है। किसी ने नोटिस किया है खाने के बाद 2 से 3 बार वीडियो रोक रोक कर मुँह से निकाल कर वीडियो ऑन करती है? हाँ कभी कभी, नोटिस क्या करना है मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि कभी कभी मैं फेंक देती हूँ, बट अभी नहीं फेंक रही हूँ, अभी सारा स्वेलो कर रही हूँ सारा। इन फ्यूचर इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी विच फॉरेन कंट्री यू वॉन्ट टू विजिट? आज तक विजिट ही नहीं की, ना ही कभी कुछ देखी, भाई कहीं चल जाऊंगी, मे बी लंडन, पेरिस, कभी कहीं भी। जी आपको सबसे अच्छा डांस किसका लगता है? यूट्यूब पर डांस वीडियो में जैसे आपकी किसी वीडियो अच्छी लगती है, या तो आप सोचो कि इनसे भी वो बताना, आपका फेवरेट डांसर
एंड आप बहुत अच्छी हो. थैंक यू सो मच गेमिंग किंग हर्ष. गाइज मुझे ना, मैं यूट्यूब में YT उतना नहीं देखती हूँ टू बी ऑनेस्ट. मैं दिन भर इंस्टाग्राम पे रहती हूँ. मुझे इंस्टाग्राम पे लवान्या दास का डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. वट इज़ योर फेवरेट स्लेट पेंसिल ब्रांड? इट्स वंडर. वंडर ब्रांड का वो है बेस्ट. क्यों रिप्लाई क्यों नहीं दी मेरा क्वेश्चन का? तुम अपने बीएफ के अजीबी है भाई ये मोना ब्लॉग. तुम बहुत अश्लील हो. कैन यू ट्राई ट्रिगर ब्रांड स्लेट पेंसिल एंड व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? ट्रिगर ब्रांड ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लूंगी. मेरा फेवरेट सॉन्ग है इश्क, ISHK. मैं आ लिखूं तू आ जाए वाला. वीडियो में हल्ला क्यों होता है? क्योंकि बाहर डिबेट चल रहा है ये टीवी में, इसलिए. ओके और आपका मतलब है कि मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी? थैंक्स. ऐसा नहीं है, बस लगता है कि मूव ऑन नहीं कर पाओगी. देख लेना मेरा बात याद रखो, इस दिन थक करके मूव ऑन कर जाओगे. जो है तुमको जैसा अल्लाह ने बनाया है वैसे ही ठीक लगती हो. इट्स अ नेचुरल ब्यूटी यार. अब तुमने विदाउट फिल्टर को इंस्टा पे आ चुकी हो तो YT पर भी आ जाओ. देखते हैं कौन क्या कहेगा तुमको. अब भला कब तक फिल्टर के साथ वीडियो बनाओगी? कभी ना कभी तो विदाउट फिल्टर बनाना है ना व्लॉग. तुमको जस्ट चिल एंड मेक. आप लोग क्यों नहीं समझते हो, आई नो दिस इज पॉजिटिव कमेंट, बट आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरा कैमरा ठीक नहीं है? अगर मैं इंस्टा पे बनाई हूँ विदाउट फिल्टर का, तो वो मेरा नहीं है फ़ोन का, वो आईफोन का है. मेरे पास आईफोन आएगा, मैं YT पे भी बिना फिल्टर के आऊंगी. यहाँ पे क्या है ना कि मैं इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना फोन का बहुत खराब है, और ये फिल्टर क्वालिटी को हाई, सुंदर तो बना ही देता है, क्वालिटी हाई कर देता है. सच बता रही हूँ, अगर मैं विदाउट फिल्टर बनाऊंगी ना तो बहुत कुछ दिखेगा ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा देखने में. इसलिए बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है यार. ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हाँ गुड नाइट, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल. ओके ये जो था ना बहुत टेस्टी रहा, बहुत अच्छा लगा. कल से दो दो वीडियो एक दिन में, ठीक है. बाय.